हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं क्या है शो दैट द मैट्रिक्स दिस ए मैट्रिक्स गिवन है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने क्या देखना है कि ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर अच्छे से बात की है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो एक बार इंट्रोडक्शन देखिए वहाँ से आपके मोस्टली डाउट इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे अब बात करते हैं हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है अब हमने ट्रांसपोज निकालना तो सीख चुके हैं इस एक्सरसाइज में अगर हमारा किसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ जाएँ तो उसको कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है अगर हमारा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आए माइनस ए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये चीज आपने ध्यान रखनी है बस अब देखते हैं यहां पे हम वेरीफाई करेंगे कि यह मैट्रिक्स हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है तो ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है वन माइनस वन फाइव माइनस वन टू और वन फाइव वन और थ्री अब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है ए ट्रांस्पोज। ट्रांस्पोज क्या होता है? रो की कॉलंग, कॉलंग की रो। तो ये हमारी रो, इसको बना थर्ड कॉलम फाइव वन और, तो और थ्री तो अब ये और ये मैट्रिक्स देखो आप कहोगे बिल्कुल एक जैसी आ गई सर तो एक जैसी आती हैं, तभी हम उनको क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यहां पे क्या लिखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है देन द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है वैसे एक जैसी तो यही बात है अगर ए इक्वल टू ए डैस आ गया हमारा मतलब ट्रांसपोज के इक्वल आ गया तो हमारी दोनों मैट्रिक्स क्या कह लेंगे सिमेट्रिक तो यहां पर क्या आ जाएगा ए इज एमेट्रिक मैट्रिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या है सेकेंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है सो दैट द मैट्रिक्स दिस इज ए स्क्यूसीमेट्रिक मैट्रिक्स अब स्क्यूसीमेट्रिक मैट्रिक्स अभी बताया था मैंने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओ तो उसको क्या कहते हैं हम स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं ठीक है तो चलिए वेरीफाई करते हैं कि ए स्क्यूसीमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है किस तरीके से चेक करते हैं वो भी देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो है जीरो वन माइनस वन माइनस वन जीरो वन वन माइनस वन और जीरो पहले फाइंड आउट करेंगे हम इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या होता है रो की कॉलम तो ये हमारी फर्स्ट रो इसको बना दो कॉलम जीरो वन माइनस वन ये सेकेंड रो है तो माइनस वन जीरो और वन ये है वन माइनस वन और जीरो तो इसको बना देंगे वन माइनस वन और जीरो ए ट्रांसपोज आ चुका अब यहां से आपको देखो क्लियरली विजिबल है अगर मैं यहां से माइनस कोमन ले दूँ क्या ले लूँ माइनस से कॉमन तो माइनस कॉमन कैसे लिया जाएगा देखो यहाँ से ये किसके इक्वल हो सकता है माइनस वन कॉमन लिया जाएगा या फिर माइनस भी ले सकते हो तो क्या बन जाएगा देखो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस बन जाएगी प्लस वाली माइनस तो यहाँ से क्या था जीरो माइनस वन था ये क्या हो जाएगा प्लस वन वन था माइनस वन वन था माइनस वन जीरो प्लस वन ये वन माइनस वन और जीरो बन गई हमारी अब देखो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगी और ये मैट्रिक्स देखो किसके इक्वल है ये वाली मैट्रिक्स ए के ही तो इक्वल है तो मींस किसके इक्वल आ गया माइनस वन ऑफ ए लिखेंगे तो माइनस का ए आ गया ना तो देखो यहाँ से क्या आया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया माइनस के ए के तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा यहां से माइनस भी लिख सकते हैं कई बच्चे कंफ्यूज हो गए हों कि माइनस वन कॉमन लिया है तो यहां से माइनस वन का तो यहां पे तो जीरो बच जाना चाहिए सर कुछ भी नहीं बचना चाहिए नहीं यहां पे माइनस वन कॉमन लिया है मल्टीप्लाई में है ये अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वन की और माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा माइनस वन आएगा ना अगर यहां जीरो बना देते तो जीरो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा ये तो होगा ही नहीं आई होप अब तो अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अपना इसका क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर एट के अंदर क्या है फॉर द मैट्रिक्स ए दिस मैट्रिक्स गिवन है वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है तो देखो ए ट्रांसपोज की तो हमें रिक्वायरमेंट है तो ए ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स वन फाइव सिक्स सेवन गिवन है तो रो की कॉलम कॉलम की रो तो वन फाइव सिक्स सेवन क्या आ गया इसका ट्रांसपोज सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की ए प्लस ए डैश फाइंड आउट कर लेंगे पहले हम ए प्लस ए डैश देखते हैं क्या आता है ए प्लस ए डैश हमारे पास क्या है ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है वन फाइव सिक्स और सेवन प्लस करना है हमें किसको ए ट्रांसपोज को तो वन सिक्स फाइव सेवन तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास वन और वन टू फाइव और सिक्स इलेवन सिक्स और फाइव इलेवन सेवन और सेवन फोरटीन ये आ गया हमारे पास अब इसको चेक करना है हमें कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए जो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल तो टू किसके आ जाए ए प्लस ए डैश के ध्यान से देखो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब हमारे पास क्या है ए प्लस ए डैश ये इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे तो हम क्या करेंगे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो किसके इक्वल आ जाएगा इसकी रो की कॉलम कॉलम की रो बना दो 211 है तो 211 इलेवन इलेवन है तो इसको लिखेंगे इलेवन फोर्टीन तो ये किसके इक्वल आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल ही तो आया है हमारा यही तो मैट्रिक्स थी देखो ध्यान से क्या था ए प्लस ट्रांसपोज हमारा रिजल्ट आया है ठीक है इसको क्या करना है इसका ट्रांसपोज निकालना है किसके इक्वल आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी अगर अब भी का अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो आप एक काम कीजिए आप क्या करेंगे जो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज आया है ए प्लस यहाँ पे देखते हैं देखो ध्यान से ए प्लस ए आया है क्या आया है हमारा टू इलेवन इलेवन और फोरटीन यही तो आया है हमारा ऐड करके इसको आप किसी अदर मैट्रिक्स के इक्वल मान लो बी मैट्रिक्स के क्लियर है अब इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे अगर बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के आ जाए तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बोल सकते हैं ना अब तो कोई डाउट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बी मैट्रिक्स ये है इसका ट्रांसपोज निकाल लो बी डैश क्या आ जाएगा रो की कॉलम कॉलम की रो टू इलेवन है तो इसको लिख दो टू इलेवन इलेवन फोर्टीन है तो इसको लिख दो इलेवन फोर्टीन तो ये किसके इक्वल आया बी के तो इक्वल आया ऐसे भी कर सकते हैं तो यहाँ से भी लिख देंगे b b है तो b b किसको मानना था हमने इस मैट्रिक्स को तो a a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके आ गया a a ट्रांसपोज के तो ये क्या हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा यहां से अगर आपको कंफ्यूजन लग रही थी तो इसको किसी अनदर मैट्रिक्स के इक्वल मान के कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या है ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमें करना है, Means, ऐसे ही A is equal to minus of A होना होना चाहिए चाहिए। हमारा, चलिए देखते हैं कैसे करना है ए और ए ट्रांसपोज हमें हमारे पास है तो हमने क्या करना है सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है तो निकालते हैं ए मैट्रिक्स क्या है वन फाइव माइनस क्या करना है हमें ए ट्रांसपोज क्या है वन सिक्स फाइव सेवन किसके इक्वल आ जाएगा वन माइनस वन क्या आ गया जीरो फाइव माइनस सिक्स माइनस वन सिक्स माइनस फाइव वन और सेवन माइनस सेवन क्या आ जाएगा जीरो क्लियर है तो ये आ गया हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया जीरो माइनस वन वन और जीरो इसको मान लिया हमने किसी अनदर मैट्रिक्स B के ठीक है अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी होगा तभी तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा नेगेटिव ऑफ बी हो जाना चाहिए तो हमारे पास बी अब क्या है 0, 1, 1, और 0। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा रो की कॉलम कॉलम की रो जीरो माइनस वन है तो जीरो माइनस वन वन जीरो है तो वन और जीरो क्लियर अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बी डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस कॉमन ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस वाला माइनस वन माइनस वाला प्लस वन ऐसे ही तो होगा क्योंकि अब देखो माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाला यही आ जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा अब यहां से क्लियरली दिख रहा है आपको देखो बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारा बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ये किसके इक्वल था बी के इक्वल तो है देखो जीरो माइनस वन वन और जीरो बी मैट्रिक्स के इक्वल है तो यहां पे बी पुट कर सकता हूँ या नहीं तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके गया? माइनस बी के तो यहां पे क्या लिख लेंगे सो दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको किसी अनदर मैट्रिक्स के इक्वल मान के करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नाइन की क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर क्या है हमने फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैस एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैस अगर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी और जीरो तो देखो पहले तो हमें ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी ए तो हमारे पास है तो ए ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से मीन्स रो की कॉलम कॉलम की रो फर्स्ट रो है इसको कॉलम वाइज लिख दो जीरो ए और बी फिर आ जाएगा माइनस का ए जीरो और सी फिर ये वाली माइनस का बी माइनस का सी और जीरो हमें चाहिए हाफ ऑफ ए प्लस ए डैस फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा हाफ ऑफ ए क्या है जीरो ए बी माइनस का ए जीरो सी माइनस का बी माइनस सी और जीरो इसको प्लस करना है ऐड करना है हमें ए ट्रांसपोज में तो जीरो माइनस ए माइनस बी ए जीरो माइनस सी बी सी और ज़ीरो तो किसका इक्वल हो जाएगा हाफ को बाहर रखो अंदर क्या आ जाएगा ऐड करते हैं जीरो, जीरो, जीरो और A जीरो ज़ीरो रहेगा ए और माइनस ए क्या हो जाएगा जीरो बी में से बी गया ज़ीरो माइनस ए और ए ज़ीरो 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 सी में सी ऐड करेंगे तो ज़ीरो माइनस बी और बी क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो माइनस सी और सी जीरो ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो तो अब जीरो को वन बाई टू से डिवाइड करेंगे तो किसका इक्वल आएगा हमारा यही तो आना है जीरो 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 जीरो, जीरो, जीरो। क्लियर है? तो हमारा दिक्कत हो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अब देखते हैं सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ ए माइनस ए डेस ए का मतलब होता है ट्रांसपोज तो हाफ ऑफ पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स क्या हमारी जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी और जीरो माइनस क्या करना है ए ट्रांसपोज जीरो माइनस ए माइनस बी ए जीरो माइनस सी बी सी और जीरो अब कई बच्चों से ना मिस्टेक हो जाती है माइनस यहां होने के कारण तो इसको आप पता है क्या कर लीजिए इसको देखो ऐसे कर लो वन बाई टू जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस का बी माइनस सी और जीरो तो हो गया यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दो और अंदर वाले साइन सारे चेंज कर दो जीरो माइनस का ए है प्लस ए हो गया माइनस का बी है प्लस हो गया प्लस का था माइनस ए हो गया जीरो प्लस का सी हो गया ये माइनस का बी हो जाएगा माइनस का सी और जीरो हो गया आई थिंक ये तो आप इजीली कर सकते हैं आप देखो इनको ऐड कर लो अब बिल्कुल इजीली हो जाएगा आपसे तो वन बाई टू ऑफ जीरो 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 ए और ए टू ए बी और बी टू बी माइनस ए और माइनस ए माइनस का टू ए जीरो 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 सी और सी टू सी फिर माइनस बी और माइनस बी माइनस का टू बी माइनस सी और माइनस सी माइनस का टू सी और जीरो 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 अब तो बिल्कुल ईजी हो गया हमारा बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी माइनस वाले में माइनस को अंदर ले जाऊँ बस अब टू से इन सब डिवाइड करेंगे जीरो को टू से डिवाइड करेंगे जीरो टू ए को टू से डिवाइड करेंगे तो ए टू बी को टू से डिवाइड करेंगे तो बी यहां पे माइनस का ए जीरो सी यहां पे आ जाएगा माइनस का बी माइनस का सी और जीरो तो ये आ गया हमारा आंसर यहां पे फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर ये आ गया आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन भी कोई डाउट अगर आपको लगता है तो कमेंट कर सकते हैं अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने जूनियर्स को प्लीज प्लीज बता दीजिए चैनल के बारे में उनकी भी हेल्प हो जाएगी क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्व तक के बच्चों को थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर यूर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल थैंक्स